फ्रेंड्स, इन दो तरीकों से जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, इन दो तरीकों से अपनी ब्रेस्ट को शेप में लेकर आइए और उसको लिफ्ट करिए। आपको पता है बहुत लेडीज़ को, बहुत गर्ल्स को, इनफैक्ट ऐसा नहीं, जब हम ज़्यादा एज हो जाती है तो उनको ये प्रॉब्लम होता है, जो गर्ल्स होती है उनकी भी जो शेप होती है वो लूज़ होती है, मतलब लटकी हुई होती है, तो वो जो अच्छी नहीं लगती। तो अगर आप मेरी बताई हुई ये एक्सरसाइजेस फॉलो करेंगे, डेली करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, तो आपकी ब्रेस्ट लिफ्ट हो जाएगी, मतलब उसकी प्रॉपर शेप आ जाएगी, जो उसका लूज़पन है, ढीलापन है, लटकापन है, वो ठीक हो जाएगा, प्रॉपर शेप में आ जाएगी और फर्म हो जाएगी, आपकी लिफ्ट हो जाएगी बिल्कुल ऊपर की तरफ। तो प्रॉपर शेप में लाने के लिए सेम ये एक्सरसाइज डेली फॉलो करिए जो आपको मैं बताने जा रही हूँ, कि इन बातों का ध्यान रखना है, एज इट इज़ मुझे फॉलो करिए। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपकी स्क्रीन पर रेड बटन है, उसको क्या करना है, सिर्फ प्रेस ही तो करना है, और अपने बिग थम्स अप मुझे देने हैं, अपना अंगूठा बहुत सारे थम्स अप ऐसे वाला लाइक करना है, अपनीशा की वीडियो को बहुत सारा करना है शेयर, फ्रेंड्स, फैमिली, लव वन, जिनको नहीं भी जानते उनके साथ भी शेयर करो यार, ज़्यादा शेयर करो ताकि सब लोग फिट रहे और खूबसूरत रहे, और साथ में आप अपने जो डेली एक्सरसाइजेज हैं मेरी जो आपको बताती हूँ उनको फॉलो करें। तो चलिए आइए एक्सरसाइजेज स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आपको जो मैं एक्सरसाइज बता रही हूँ उसका भी रिजल्ट आपके ब्रेस्ट पे दिखने वाला है। आपको क्या करना है, अपने हैंड्स ऐसे रखने हैं, पूरे खींच कर स्ट्रॉन्ग रखने हैं, 90 डिग्री में प्रॉपर ऊपर रखने हैं, आप देख रहे हैं जिस एंगल में मेरे हैं, इतने आप ऊपर लिफ्ट करके रखने हैं, उसके बाद इसको आगे ज्वाइन करना है इस तरीके से, प्रॉपर फोर्सली आपको आगे लेके जाना है और प्रॉपर फोर्सली पीछे करना, देख रहे हो मेरा कितना स्ट्रेच पड़ रहा है, मेरे फेस पे एक्सप्रेशन भी चेंज हो रहे होंगे, स्ट्रेच पड़ेगा तो ऑटोमेटिकली आपके एक्सप्रेशन भी चेंज होते हैं, क्योंकि बॉडी स्ट्रेच हो रही है तो पेन हो रहा है, तो वो रिजल्ट आपके फेस पे दिखेगा ही दिखेगा, चाहे आपको कितनी भी प्रैक्टिस हो। तो सेम फॉलो करिए अपनी ईशा को। तो देखा कि एक्सरसाइज यहाँ कंप्लीट होती है और उसका रिजल्ट आपके खुद सामने, अगर आप परफेक्टली कर रहे हैं ना तो मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है, आपको खुद फील हो रहा है कि कहाँ पे आपकी नर्व्स फुल हो रही हैं और कहाँ पे इसका अच्छा इफेक्ट आने वाला है, खुद आपको कुछ दिनों में रिजल्ट दिखने जाएगा, हार्डली 1 or 2 days में आपको रिजल्ट खुद फील होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट एक्सरसाइज फॉलो करते हैं। फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, बहुत लोग मुझे कंप्लेन कर रहे हैं कि ब्रेस्ट उनकी एक्सरसाइज करते हैं इफेक्ट नहीं आ रहा, लेकिन उसके लिए आप अपने को भी सोचें कि एक्सरसाइज का इफेक्ट क्यों नहीं आ रहा, बहुत लोगों को इफेक्ट नहीं आता ब्रेस्ट पे, उनकी जो है सैगिनेस रहती है, टाइट नहीं रहती ब्रेस्ट, प्रॉपर शेप में नहीं रहती एक्सरसाइज करने के बाद भी, क्योंकि हम छोटी छोटी चीज़ें समझते हैं लेकिन वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। आज आपको भी मैं एक ऐसी ही चीज़ बताऊँगी जिससे आपके ब्रेस्ट पे बहुत इफेक्ट होने वाला है अगर आप एक्सरसाइजेस फॉलो कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आइस यूज़ करनी है। अब आप सोचेंगे आइस से ब्रेस्ट कैसे टाइटन हो सकती है, सैगिनेस कैसे कम हो सकता है, एग्जैक्टली हो सकता है, आप अपना फेस का भी तो ख्याल रखते हैं ना, फेस के लिए तो आप आइस यूज़ करते हैं ताकि आपकी जो मसल्स होती हैं वो टाइट हो जाती हैं, उसमें जो झुर्रियाँ होती हैं जल्दी से नहीं आती, फेस का लटकापन ठीक हो जाता है, तो एग्जैक्टली हम अपने बॉडी पार्ट्स को भूल जाते हैं। ब्रेस्ट जिसको हम चाहते हैं कि हमेशा बहुत अच्छी शेप में रहे, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहे और हम दिखने में बहुत सुंदर लगे, तो उसके लिए भी आपको आइस का इस्तेमाल करना है। आइस को आपको आइस क्यूब लेके अपनी ब्रेस्ट पे मसाज करनी है। मसाज करने का वीडियो मेरा ऑलरेडी बना हुआ है मेरे चैनल पर, आप जाके कैसे मसाज करनी है आप चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वीक में 2 बार भी अगर आइस क्यूब अपनी ब्रेस्ट से मसाज करें आइस क्यूब लेकर, तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। आपकी जो स्किन है ना, जो अजीब हो चुकी है, सैगी हो चुकी है, आपकी ब्रेस्ट बिल्कुल टाइटन हो जाएगी, प्रॉपर शेप में आ जाएगी, जो डेवलप नहीं हो रहे टिश्यू वो भी डेवलप होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा आपकी स्किन के लिए, आपकी ब्रेस्ट के लिए, मतलब ब्रेस्ट की जो स्किन होती है उसके लिए, कि टाइटन हो जाएगी, सैगिनेस खत्म हो जाएगा और आपकी ब्रेस्ट जो है डेवलप भी होने लग जाएगी। तो एक्सरसाइजेस आप सेम एज इट इज मुझे देखिए फॉलो करिए, लेकिन इस टिप को मत भूलिएगा अगर आप अपनी अच्छी सुंदर ब्रेस्ट चाहते हैं तो। अगर आपकी ब्रेस्ट ऑलरेडी शेप में भी है तो भी इस बात को ज़रूर फॉलो करिएगा। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कितनी ईजी एक्सरसाइज है, कितना ईजिली आप फॉलो करके इसको अपनी ब्रेस्ट को शेप में लेकर आ सकते हैं और जो उसका लटकापन है यानी इसको लिफ्ट कर सकते हैं। प्रॉपर लिफ्टेड ब्रेस्ट बहुत अच्छी लगती है, टाइटन ब्रेस्ट अच्छी लगती है। तो बस अपनी खूबसूरती को और इन्हेंस करिए, ब्रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी बॉडी स्ट्रक्चर्स का, उसको और इन्हेंस करिए, ये एक्सरसाइजेस डेली फॉलो करिए, तो आपकी ब्रेस्ट बहुत अच्छी हो जाएगी, शेप में हो जाएगी, जिनकी ब्रेस्ट अगर ग्रोथ नहीं हो रही वो भी होने लगेगी। तो एज इट इज़ आप फॉलो करिए, हमेशा मुझे इतना प्यार दीजिए, अपना सपोर्ट करिए, आप कितने सपोर्ट से मैं डेली आपके लिए न्यू वीडियो लेकर आती हूँ। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।